ये सुबह सुबह ऋषिकेश करना जा रहा है। अभी दिन के सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सड़कें खाली खाली हैं। अभी एक घंटे के अंदर इन्हीं सड़कों पर भारी ट्रैफिक आपको दिखाई देगा। राम झूला की तरफ जा रहे हैं। यहां से ये बाईपास जाता है और ये बिल्कुल हम राम झूला के करीब आते जा रहे हैं। तीर्थयात्री ऋषिकेश की सड़कों पर आपको सभी जगह मिल जाएंगे। राम झूला का रास्ता है, राइट की तरफ मुड़ेंगे तो राम झूला है और ये सीधे बद्रीनाथ मार्ग। थोड़ा आगे जाकर मुनि की रेती और मुनि की रेती से लक्ष्मण झूला मिलेगा। वहाँ से फिर राइट की तरफ गंगा जी की तरफ अगर टर्न करेंगे तो आपको लक्ष्मण झूला मिलेगा। पार्किंग भी है, आप चाहें तो यहाँ पार्किंग गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन ऋषिकेश में पार्किंग का बहुत बुरा हाल है और पार्किंग के चार्जेस आपको 100 रुपये से लेकर के कभी कभी इससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। शहर को बाईपास करती हुई रोड यहाँ पर आकर के मिल जाती है। ये लेफ्ट से जो है जो रोड आ रही है ये बाईपास रोड यहाँ पर आकर के मिलती है। आजकल सड़कों का बुरा हाल है, टूटी फूटी सड़कें हैं।
बद्रीनाथ मार्ग को चौड़ा करने का कार्य चल रहा है और यहाँ पर ये राइट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर लक्ष्मण झूला, 50 मीटर की दूरी पर लक्ष्मण झूला मिलेगा और ये फिर हम आगे सीधे बद्रीनाथ रोड की तरफ जा रहे हैं। आपको रिवर राफ्टिंग करनी हो तो सामान्यतः यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ऋषिकेश एडवेंचर टूरिज्म का एक नया स्पॉट बना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रिवर राफ्टिंग और एडवेंचर्स के लिए आते हैं, जिसमें से बंजी जंपिंग से लेकर के और माउंट क्लाइंबिंग, छोटे छोटे पहाड़ पर चढ़ना, इससे आगे कई जगहों पर बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पर टूरिस्ट आकर के रहते हैं। ऋषिकेश की सीमा लगभग समाप्त है। सीमठ